जरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बचके जरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरे चिपकली, ओरे चुंदर। रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, दूर करो ये टेंशन। हटके बचके जरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियां खोल के देखो दिल की खिड़कियां, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, सरा सरा सी अनबन। हटके बचके सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे तुम सुन रही हो ना? सब सुन रही। क्या सुन रही? ओ शिखा, मुझसे नहीं सुनी जाती इन मासूम बच्चों की दुखद रुलाइयां। बढ़ा क्यों नहीं देती इनकी पॉकेट मनी एंड बजट? ये सभी बच्चे करते हैं, फैशन है पॉकेट मनी के लिए माँ बाप की जेब कतरना। वैसे महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई आजकल। मुझे कुछ मत कहो शिखा, अगर वो सोचते हैं कि वो टाटा और बिरला बन गए हैं तो आई एम सॉरी, उन्हें भी सीखना पड़ेगा पैसे की वैल्यू क्या होती है। ए, 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 वैल्यू क्या होती है पैसे की? कोई बजट वजट वैल्यू नहीं होता है। देखो शिखा, हम अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अरे नए नए घर में आए हैं, अब अभिषेक मोंटी और रचना को जिस ढंग से खर्च करते हुए देखते हैं उन्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, एवरीबॉडी हैज गॉट इक्वल राइट इन दिस हाउस। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होती है शेखर। ए क्या डिसिप्लिन? कोई डिसिप्लिन नहीं, मेरा डिसिप्लिन मालूम है? अभिषेक को मैंने इतना पॉकेट मनी दे दिया है कि अगले 50वें बर्थडे तक उसे कोई पॉकेट मनी देने की जरूरत नहीं। आई डोंट ओ हिम एनीथिंग। उन्हें बिगाड़ के रखा है तुमने। मैंने? बिल्कुल लल्लू हो। मैं लल्लू? और नहीं तो क्या, 10 साल की लड़की भी तुम्हें चकमा दे जाती है। छोड़ो छोड़ो, मैं कोई लल्लू वल्लू नहीं हूँ। तुम लल्लू हो। आज तुम्हारे मम्मी डैडी आ रहे हैं ना खाने पे, उन्हीं से पूछ लूंगी। क्या क्या बचपन में भी तुम उतने ही लल्लू थे? मैं कोई लल्लू वल्लू नहीं था। I was a smart kid like this. तुम लल्लू थे, लल्लू हो और लल्लू रहोगे। लल्लू 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 लल्लू। क्या हुआ? गुस्सा हो गया क्या? उतने भी लल्लू नहीं हो। नहीं, वो बात नहीं है। तुम अभी वो मुझे चढ़ा रही थी ना, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल अभिषेक की माँ की तरह, वही अंदाज, वही हाव भाव, बिल्कुल शशि। हमारी मांगे पूरी करो, पॉकेट मनी रेस करो, हमारी मांगे पूरी करो, उनकी डिमांड पूरी करो। अरे कुछ नहीं तो झूठे वादे कर दो अपने उन नेताओं की तरह जो इलेक्शन से पहले करते हैं। जाओ 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 ना यार। विजय मुझे पता है ये सब तुम्हारी करतूत है। अरे 4 महीने में 20 साल के हो जाओगे, अगले साल ग्रेजुएट, कुछ तो शर्म करो। हमारी मांगे पूरी करो, पॉकेट मनी रेस करो, हमारी मांगे पूरी करो, पॉकेट मनी रेस करो। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी 20% रेस करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले सुन लो, आज हमारे यहाँ खाने पे अभिषेक मोंटी और रचना के दादा दादी आ रहे हैं, तो हमारा, आई मीन तुम्हारा उनके साथ बिहेवियर इस तरह होना चाहिए जैसे वो तुम्हारे दादा दादी हो। मंजूर है? मंजूर है। हेलो दादाजी। हेलो दादाजी। ए ये क्या? हेलो हेलो हेलो, अभिषेक मोंटी रचना
दादाजी के और दादी के पांव छूना भूल गए? अरे थोड़ा सा भी याद है मेरे लिए एहसान होगा। राम दादाजी। अरे क्या हुआ बेटे मोंटी, पेट में दर्द है क्या? अपेंडिक्स हुआ होगा। क्या हो गया मोंटी तुम्हें? हमेशा आलसी पना, इतना सुस्त हो गया है कि दादाजी के पैर भी नहीं छू सकता। अब ये। अरे बहू। आयुष्मान बाबा। वेरी गुड सिलेक्शन शेखर, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा किसका हूँ? थैंक यू डैड। हम दादाजी के पैर जोर से पकड़ लेंगे, फिर मम्मी हमको और पैसा देगी। डैडी ये अभिषेक, विजय है, ये सोनिया और ये मिनी। अरे मिनी मिनी और बेटा। तुम्हारी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू ग्रैंडडैड। खाली जरा जोर से चिल्लाती है, लगता है इसे कम सुनाई देता है क्या? ग्रैंडपा, आई मीन डैडी। अंदर चल के सुने और सुनाए। हाँ, क्यों नहीं। चलिए चलो सुना। विजय, अभिषेक, मोंटी, चल 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 चल। मैं सबके लिए शरबत लेके आती हूँ। चलो बहू, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मदद करूंगी तुम्हारी। चलो चल। क्या कटिंग सी बूढ़े बाबा, आपको बैठाने में हमारी मदद लगेगी। क्या कहा, अपने एकलौते बाप को बूढ़ा बाबा कहते हो? अभी तो मैं जवान हूँ। शिखा, एक बात कहूँ, तुम मेरे परिवार का हिस्सा तभी बन पाओगी जब तुम्हारे और शेखर के अपने बच्चे होंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? जी। तुम शेखर के लिए ठीक ही हो। शायद शशि की कमी तुम पूरी कर सकोगी, कितनी मिलती जुलती हो उससे। लेकिन शेखर की पहली बहू से एक पॉइंट पर मुझे बहुत चिढ़ती, वो भी तुम्हारी तरह नौकरी करती थी। हाँ वैसे बहू, ये टीचर की नौकरी में कितना कमा लेती हो? भगवान की दया से शेखर की प्रैक्टिस आजकल अच्छी चल रही है। तुम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर में डिवोट करो, शेखर की देखभाल करो, मेरे पोते पोतियों की देखभाल करो, अपने बच्चों का ख्याल ज्यादा रखो, दूसरों का कम। बी प्रैक्टिकल, छोड़ दो ये टीचर गिरी। मम्मी। आप लोग ले लीजिए, मैं अंदर खाने का बंदोबस्त। रख दे रख दे रख दे, ले लेंगे यार। ओ, ओ, ए, चल हट हट चल। ऐसे डैड, कैसी लगी शिखा आपको? बिल्कुल शशि की तरह है ना? बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह सुंदर सुशील। हाँ बेचारी शशि जल्दी ही ऊपर वाले को प्यारी हो गई। खैर तुम तो खुश हो ना शेखर? डैडी ऊपर से नीचे तक एकदम चकाचक। चीयर्स। अच्छी लड़की है शिखा, बिल्कुल शशि की तरह। थैंक यू मम्मी। तुम्हें शशि कब से पसंद आने लगी? मुझे तो पहले से ही पसंद थी। हाँ सिर्फ जो अरे 50 साल मैंने तुम्हारे मम्मी के साथ गुजरे हैं, समझे? जिगर चाहिए जिगर, जिगर। हैट्स ऑफ डैड, हैट्स ऑफ। यंग मैन, अब क्या बिजनेस करना चाहते हो? गर्ल्स। लड़कियां। ये कैसा है? उसे बोलने दो। क्या कहा तुमने? लड़कियां। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से मोना दुबई एक्सपोर्ट करेगा, वहाँ से सोना इंपोर्ट करेगा। अभिषेक शट अप। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कोई मॉडलिंग एजेंसी खोलूं, लॉट्स ऑफ प्रीटी गर्ल्स, वैसे भी मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं। बड़े शैतान आदमी लगते हो। लेकिन टेल मी यंग मैन, शादी हो जाएगी तब क्या करोगे? मेरे ख्याल से कोई भी असली मर्द एक औरत के साथ खुश नहीं रह सकता। इट्स सो बोरिंग।
मेरे पास तो चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं और तीन की तलाश है. मंडे टू संडे हफ्ते में 7 दिन होते ना. देखो बेटा, तुमसे ज्यादा जिंदगी मैंने गुजारी है, समझे? जो लोग गर्ल्स के बारे में बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते. और बेटा, आजकल के जमाने में तुझे ऐसी कौन सी लड़की मिलेगी जो तुम्हारी ऐसी बातें बर्दाश्त करेगी? है अरे, और लड़कियां तो छोड़ दो. अरे ये तुम्हारी नई दादी भी नहीं करेगी. दादाजी नहीं करेगी. आप कोशिश तो करिए, कोई साइड में गर्लफ्रेंड रख लीजिए. कमसिंग सी डॉल कहिए तो मैं आपका इंट्रो करवा देता हूँ. वैसे भी दादी की ऑब्जेक्शन करने की उम्र तो खत्म हो गई. क्यों दादी जी? अरे बहुत शरारती लड़का है ये. शेखर, इससे संभालना. Don't worry, moms. I mean, mommy. बेटा, तुम्हारे दादी को किसी कमसिन डॉल से कम मत समझना, समझे? भगवान, बोलो तुम्हारी उम्र क्या है? कह दो इस कमसिन लड़के को. वैसे मैं लगती हूँ 17 की, लेकिन उम्र है 27. अच्छा है. अच्छा है? Are you crazy, दादी? Superb है. Hit है. बहुत बढ़िया. Very nice. आलू गोभी तो बिल्कुल ऐसे बनाई है जैसे मम्मी बनाया करती थी. शिखा, तुम इन्हें बेवकूफ बनाने मत देना. हाँ, शशि अपने पलटन के लिए अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाती थी, लेकिन ये खाना मच मच बेटर. आंटी जी के हाथ में या तो जादू है या फिर मम्मी की रेसिपी बुक हाथ लग गई होगी. बिल्कुल ओरिजिनल है. अच्छा, तो फिर टेस्ट में एकदम मिलता कैसे है? आंटी जी, आप और कौन कौन से डिशेस बनाती है? तुम जो चाहो वो. जो भी रेसिपी बुक में है. और भी बहुत कुछ. आंटी जी, तो फिर हर सुबह आप हमें कॉर्नफ्लेक्स और दूध क्यों बना के देती है? आप हमें मीठी रोटी क्यों नहीं बना देती मम्मी जैसी? क्योंकि दूध और कॉर्नफ्लेक्स इज गुड फॉर यू बेटा. मोंटी, आंटी जी मीठी रोटी नहीं बना सकती, क्योंकि मीठी रोटी के बारे में किसी रेसिपी बुक में लिखा नहीं है. मीठी रोटी बनाना सिर्फ मेरी मम्मी जानती थी, क्योंकि उनको उनकी मम्मी ने सिखाया था, और मेरी नानी को उनकी मम्मी ने सिखाया था. और ठीक है ठीक है, कल नाश्ते में मीठी रोटी मिलेगी. अच्छा, तो फिर हम घर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे. अरे भगवान, खाना खाओ खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा. और घर में जाने के बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाना पड़ेगा. चुप, रहने दो रहने दो. मेरे हाथों का खाना खा के इस उम्र तक पहुंचे हो, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? अरे 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लगता, समझे? अब मुझे बोलो, तुम दोनों मिले कैसे? कैसा प्यार हुआ, इकरार हुआ? डैडी, हमारे जमाने में हम घर में सबसे प्यार करते थे. हमारे घर में कुत्ता और बिल्ली थी ना, उससे भी मैं प्यार करती थी. सुना शिखा, तुम्हारे सास की प्यार कुत्ते के लिए जितनी थी और मेरे लिए जितनी थी, मुझे तो लगता है उसमें कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं हम दोनों में. क्या? अरे रे 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 रे, क्या कोटी नसीब है मेरी. अब मुझे मेरी दोन की जरा फिक्र लेनी पड़ेगी, समझे? नॉन वेज में मोटापा हो जाता है ना. नहीं नहीं डैडी, नॉन वेज में कोई मोटापा नहीं होगा. क्या बात. असल में वो गाजर का हलवा जो शिका ने खासकर आपके लिए बनाया है, उससे ये मोटापा होगा. 500 कैलोरीज. शिखा ने गाजर का हलवा मेरे लिए बनवाया है? और नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं बनाया, बच्चों के लिए बनाया. मुझे मालूम है, जरूर बच्चों के लिए बनाया होगा. शिखा जाओ, चलो गाजर का हलवा जल्दी ला के सर्व करो. सब बच्चों को सर्व करो गाजर का हलवा. हाँ, जल्दी जल्दी गाजर का हलवा सर्व करो, फिर इन बच्चों को इम्पोर्टेड सिगार देंगे हम पीने के लिए. और बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे. चलो. अच्छा सुनो डैड, एक ईसीजी कर लूं? अरे नहीं भाई, घबराने की कोई बात नहीं, आते जाते होता है. देखो, अब मुझे नसीहत मत देना बेटू, ये मत करो वो मत करो.
अरे हमें तुम्हें डॉक्टर क्या बनाया? तुम तो हमारा बाप बन गया। मैं बाप बन गया हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो आप, ये बताओ कहीं दर्द दर्द है कि नहीं? अच्छा ठीक है, छोड़ छोड़, जोर जोर से सांस लो। सांस तुम्हारे माँ के आंखों के गहराई तक। अरे बेटा, दर्द तभी होता है जब मैं झुकता हूँ और हाथ घुटने के नीचे लेता हूँ और फिर कमर के ऊपर। तो ये हाथ घुटने के नीचे क्यों लेते हैं? ये बेफजूल की कसरत क्यों करते हैं आप? मैंने कब कहा कसरत करता हूँ? तो क्या करते हैं आप? तो पैंट पहनने की बात कर रहा हूँ। कैसी रही यार? दैट एक बात मैं कह सकता हूँ। बोलो। आप किसी भी 40 साल के मर्द के जितना फिट हो। डैड, और कोई परेशानी? हाँ, और एक परेशानी है। क्या? ये मेरे राइट टांग में दर्द होता है कभी कभी। क्या? ये तुम्हारी कसरत की सजेशन की वजह से। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। अरे बुढ़ापे में ऐसी वैसी प्रॉब्लम तो होती रहती है। नहीं नहीं नहीं, गलत। बुढ़ापे में नहीं होती है प्रॉब्लम। तो बुढ़ापे में कभी प्रॉब्लम होती है? देखो, ये मेरी लेफ्ट टांग है ना। हाँ। लाइक ये भी इतनी बूढ़ी है लेकिन इसमें कुछ दर्द नहीं है। कैसा डॉक्टर बना है तू? किसने डॉक्टर बनाया? मैंने सोचा था अकेला लड़का है, डॉक्टर बनेगा। नीम हकीम निकला। मैं नीम हकीम हूँ। है तो क्या? मैं पप्पी, पप्पी। हाँ, अरे अच्छा, ये लो। और आप पप्पी? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और चाहिए? हाँ, आगे लो। 10 रुपया। अरे अच्छा, ये लो। आदो आदो। वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुम्हारे जैसी हसीन और सुंदर लड़की मैंने सालों में बाबा नहीं देखी। इससे छोड़कर अच्छा हम चलते हैं अभी। अच्छा बाय बाय एवरीबॉडी, बाय 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 बाय, सी यू, बाय बाय। अच्छा बहू, बच्चों का ख्याल रखना। बाय 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 बाय। शिखा, ए शिखा, 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 क्या कर रही हो? बहुत स्वीट है तुम्हारे मम्मी डैडी। तुम उनको यहीं रहने को क्यों नहीं बुलाते? इस घर में जगह की तो कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं, जगह की बात नहीं है। दरअसल मेरे पिताजी बहुत ही खुददार इंसान है। अब समझो, हमारे बुढ़ापे में हम अगर अभिषेक या विजय के घर रहने जाए तो हम उन पर बोझ थोड़ी ना बनेंगे। नहीं, वो बात नहीं है। क्या है, उनका नेचर ही कुछ बिल्कुल अड़ियल टट्टू की तरह। हाँ तो हाँ, ना तो ना। तुम्हारे डैडी की भी दाद देनी पड़ेगी। क्या? कैसे हो इतने साल तुम्हारे मम्मी के साथ? ओह, मुझे पता है शिखा, मम्मी की आदत ही कुछ ऐसी है। अब बिना बोले नहीं रह सकती हो। अभी इस उम्र में तो उन्हें नहीं बदला जा सकता ना। अब मुझे मालूम है उनका बर्ताव कुछ ठीक ही बर्ताव किया उन्होंने। अच्छा, अच्छी बातें कही मुझसे। जैसे? जैसे मैं शशि जैसे दिखती हूँ, खाना अच्छा बना लेती हूँ, सिर्फ मीठी रोटी नहीं बना सकती। शिखा, देखो शिखा, रिलैक्स। तुम ऐसे सोचती रहोगी तो बिल्कुल पागल हो जाओगी। रिलैक्स। देखो, मुझे तुम्हारे पहले वाले बाल बहुत पसंद है। ये क्या बना रखा है तुमने? शिखा, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम खाना अच्छा पकाती हो या तुम शशि की तरह देखने में हो। तुम शिखा हो, शिखा। तुम शशि, 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 हर बार शशि। देखो, मुझे शशि से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर। मगर मैं भी इंसान हूं, मेरी भी आइडेंटिटी है। बिल्कुल है, कौन मना करता है। लेकिन एक बात सुन लो, देखो तुम शशि से अलग नहीं हो। वो एक माँ थी, तुम भी एक माँ हो। प्यार बांटना तुम्हारी विशेषता है। शशि एक अच्छी माँ थी, तुम भी एक अच्छी माँ हो, तुमने साबित कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे लिए शशि हो या शशि जैसी हो। तुम शिखा, शिखा,
मैं अच्छी हूं या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तहे दिल से अपना फर्ज अदा करना चाहती हूं, मां का भी और पत्नी का भी। लेकिन शिखा बनकर, शशि नहीं। शिखा, शिखा, मम्मी हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। वो 20% इंक्रीमेंट वाली बात याद है ना? वो अगर मिल जाए तो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कल दादाजी के सामने इतना शर्मिंदा कर दिया मुझे। तुम तो मॉडलिंग एजेंसी खोलने वाले थे ना, जिससे करोड़ों कमा लेते, फिर मेरे 100-200 से क्या होगा? जाओ मम्मी, कल के लिए I'm really sorry, मम्मी। तुम खुद एक 6 फुट के सॉरी हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे डैडी शेखर कमा लेते थे और तुम दिन भर पिकनिक लड़कियां। ठीक है लेक्चर मत दो। अगर पैसे नहीं देने थे तो फिर झूठा प्रॉमिस क्यों किया था? गुड मॉर्निंग मेरे मुरझाए हुए फूल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम लोग सब मुंह लटकाए बैठे हो? 8 बज गए डैड, अभी तक चाय नहीं मिली। क्या सर्विस है? जिसको चाय चाहिए यहाँ आके ले ले, मुझे यहाँ बहुत काम है। अभिषेक, तुमने शिखा से फिर कुछ कहा है क्या? नहीं, एक्चुअली डैडी, कल रात को आंटी जी ने सबके सामने प्रॉमिस किया था कि वो मीठी रोटी बनाएगी, लेकिन आज सुबह से उन्हें रेसिपी बुक मिल नहीं रही है, और मम्मी की रेसिपी बुक के बगैर वो खाना कैसे बनाएगी? शट अप, बदतमीजी की भी हद होती है। डैडी, लगता है हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे गधे, वो देख बन रहा है ना। ये लो मीठी रोटी। मीठी रोटी? हाँ, अभिषेक खा लो बेटा, शायद इतनी अच्छी नहीं बनी हो, लेकिन प्यार से बनाई हुई चीज को ना नहीं कहते। कितने प्यार से बनी है, एक मैं भी देखूं। आप लोग खाइए, मैं और बना के लाती हूँ। पंडित जी, आप मीठी रोटी बनाना कैसे जानती है? ये तो मम्मी की स्पेशलिटी थी। ये मेरे मम्मी की भी स्पेशलिटी थी, उन्होंने मुझे सिखाई। सरप्राइजिंग नो, आपकी मम्मी और मेरी मम्मी की मम्मी ने दोनों को एक जैसी चीज सिखाई। आखिर हर माँ माँ ही तो होती है।